The EMF of a cell is balanced by a length of 120 cm of potentiometer wire. When the cell is shunted by a resistance of 10 ohm, the balancing length is reduced by 20 cm. Find the internal resistance of the cell. क्वेश्चन समझ में आया क्या? ऐसा बोला है कि एक सेल था जिसका ईएमएफ बैलेंस हो अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर। अब जब इस सेल को तुमने शंट किया, मतलब पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो बैलेंसिंग लेंथ कितने से रिड्यूस हुआ? 20 से। मतलब न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज 120 माइनस 20, दैट इज 100। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, डू यू रिमेंबर सेकेंड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल? उसका डायग्राम याद है? डायग्राम याद होगा तो समझेगा क्वेश्चन, अगर डायग्राम ही याद नहीं है तो क्वेश्चन समझेगा कैसे? यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज अ डायग्राम दैट यू नीड टू नो। क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है थोड़ा सा, नॉट मच, तो आपको पहले तो ये डायग्राम याद होना चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। तो ये डायग्राम अगर आपको याद है, इन्होंने ऐसा बोला है कि पहले पहले बैलेंसिंग लेंथ कितना था? कितना था? तब ये की ओपन था। जब ये की ओपन था तब बैलेंसिंग लेंथ को आप नाम देते हो L1, और L1 की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है व्हेन द सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, मतलब तुमने अभी की क्लोज कर दिया तो इसके साथ ये पैरेलल में आ गया, शंट हो गया वो, राइट? करेक्ट। तो R की वैल्यू कितनी है? कितनी हो गई R की वैल्यू? 10 ओम। इस केस में बैलेंसिंग लेंथ कितने से कम हो गया? 20 से। तो L2 इज L1 माइनस 20 सेंटीमीटर, दैट इज 120 माइनस 20, दैट इज 100 सेंटीमीटर। और आपको पूछा व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, एंड ऑफ कोर्स यू रिमेंबर द फॉर्मूला, यू मस्ट रिमेंबर सच सिंपल फॉर्मूला। व्हाट इज R? L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू, ऐसे बताया तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू L1, हम इज L1 120 है L1, और ये कितना है? 100। अलोंग कितना है? 100, दोनों सेंटीमीटर में, और ये कितना है? 10। एंड नाउ तो 20 बाय 100 इंटू 10 कितना आ गया? 2। क्या दिया आंसर? 2 दिया क्या?